तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। तो ये हमारी पड़ोस की आंटी है। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। और आपका नाम क्या है? अंजलि देवी है मेरा नाम। अंजलि देवी आंटी जी का नाम है। और आंटी जी ना बहुत अच्छा गाना गाती है। हमारी पड़ोस की है, यहीं रहती है, ये पड़ोस में। तो है ऐसा कि आंटी जी मुझे बोल रही थी कि मुझे मेरा वीडियो बना दो, उनको कहीं भेजना है। शायद ऑडिशन दे रहे हैं क्या आप किसी चीज़ का? हाँ। कहाँ पर भेज रहे हैं? कहाँ पर भेज रहे हैं? वैसे तो असम गुवाहाटी जैसे है वहाँ पर, और कोई जगह में आर्मी का कैम्प है, वहाँ से कोई बड़े साहब ने उन्होंने खबर भेजा है कि आज। अच्छा, कोई आर्मी के कैंप में शायद आप ये जो आंटी जी प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम के लिए। अच्छा, रिकॉर्ड करके। अच्छा, आर्मी कैंप में अफसर ने बोला है उनको वीडियो करके भेजने के लिए, क्योंकि आंटी जी ना प्रोग्राम करती है। तो अभी रिकॉर्डिंग करने के लिए मुझे बोल रही थी 2-3 दिन से। और रिकॉर्डिंग के लिए आंटी जी आम भी लेके आई है अपने घर का, पके हुए आम, कि भाई बेटा मेरा रिकॉर्डिंग कर दो तुम्हारे फ़ोन में। तो यहाँ पर फ़ोन है, तो यहाँ पर जो ट्रैक आंटी ट्रैक में गाती है, तो आंटी बोल रही है कि 16 बरस की ये गाना में मैं गाऊंगी, वो रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजना है फंक्शन के लिए। ऑडिशन वो देंगी, एक्चुअली एक टाइप का ऑडिशन ही है, फ़ोन में भेजेगी, तो इसीलिए मैं आया हूँ। तो चलिए मैं बजाता हूँ। देखा आंटी ने काफ़ी अच्छा गाया, तो ऐसे करके धीरे धीरे आंटी को भी मैं परमेश्वर के बारे में बताता जाऊंगा। ऐसे करके हमें दोस्ती करती जानी है, धीरे धीरे प्रभु के बारे में बताते जाना है। तो आंटी जी आपको भी मैं एक दिन जरूर अच्छे से प्रभु के बारे में सिखाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज आपकी मेहरबानी से गाने का मौका मिला मुझे। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा। ऐसे करके धीरे धीरे हम प्रभु को भी जानेंगे, ठीक है? ओके। तो कल आंटी जी आई थी, आंटी ने अच्छा गाना गाया। देखिए, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप कैसे फिल्मी गानों को सपोर्ट कर रहे हो। तो देखो, मैं फिल्मी गानों को सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। लेकिन ये बात मैं जानता हूँ ना कि फिल्मी गाने नहीं सुनने चाहिए, ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो आंटी नहीं जानती ना। तो उनको आप डायरेक्ट हम बोल देंगे कि आंटी जी आप मत सुनो, ये फिल्मी गाना शैतान का है, ये वो है। तो वो तो उल्टा मुझसे चिढ़ जाएगी, अरे भाई ये तो क्या बकवास कर रहा है, फिर वो कभी हमसे शायद बात करेगी भी नहीं मुझसे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, आराम आराम से, आस्ते आस्ते से, आस्ते आस्ते आराम आराम से उन्हें बताना है ये बातें। तो आज मैं जा रहा हूँ आंटी को प्रचार करने। एक्चुअली प्रचार तो मैंने कल भी कहा था उन्हें यीशु के बारे में, लेकिन अभी उनके पास समय उतना है नहीं, वो कल जल्दी चली गई। लेकिन आज मेरे पास कुछ ट्रैक्स है जो मैं ट्रैक्स उन आंटी को दूंगा अभी। जैसे ये देखिए, ये सब नेपाली में है, शायद एक ही ट्रैक है जो मेरे पास हिंदी में है, ये वाला। सुनो आपको कौन बुला रहा है। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में अच्छा बताया गया है, ट्रैक्स बहुत अच्छा है ये। इसे ट्रैक कहते हैं ना, ऐसे बाइबल ट्रैक्स पर्चे। ये हिंदी नंबर है, मुझे नहीं मालूम। क्या आपने कभी सुना है कि कोई आपका नाम पुकार रहा है, पर आप नहीं जानते कि वह आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छा ट्रैक है, बाइबल ट्रैक्स ये है। और ये नेपाली है, एउटा मित्र तिम्रो निम्ति, मतलब एक मित्र तुम्हारे लिए। और ये भी है नेपाली, पश्चाताप। और ये है क्या अब व्यविचार पाप है ना, कि अब व्यविचार पाप है ना, यानी क्या
क्या व्यभिचार पाप नहीं है? ये ड्रग लागू पदार्थ, ये मतलब ड्रग्स, व्यभिचार और कुछ भी बुरा चीज़ पीते हैं खाते हैं ना, ये उस विषय में क्या ये पाप है कि नहीं, इनको खाना या पीना? हाँ पाप है। रोमी में पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक, तब पता चलेगा। शायद ये 6 है, ये नेपाली अल्फ़ाबेट्स नहीं नंबर्स हैं, मैं नहीं जानता अल्फ़ाबेट नहीं नंबर। तो ये ईमानदार तो अपनी धोखा माँ परे को, यानी आप ईमानदार हैं लेकिन फिर भी आप धोखे में हैं। मतलब एक ईमानदार व्यक्ति है लेकिन वो यीशु को नहीं जानता तो वो धोखे में है। तो ईमानदार होने से भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपको यीशु को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये ट्रैक है, मैं पता नहीं कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 है। के त पहिलाई थाहा छ सबै मानिसहरूले पाप गरेका छन्, यानी क्या आपको पता है कि सब इंसानों ने पाप किया है? ये भी ट्रैक्स है, बाइबल ट्रैक्स, ये पाप के विषय में सिखाती है। परमेश्वर जसले मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, यानी परमेश्वर जो मनुष्य को प्रेम करता है। यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छा बुक है छोटा सा, और ये युवकों के लिए, ये हिंदी में ही है, युवकों के लिए 20वीं शताब्दी की एक, ये शायद पता नहीं है कितना है, ये नंबर्स नहीं मालूम मुझे, शायद 2-1 है, 21वीं शताब्दी का एकमात्र आशा। युवकों के लिए एकमात्र आशा कौन है? यीशु मसीह। खाली युवकों नहीं, सबके लिए। ये देखो बहुत अच्छा किताब है ये भी, ये मैं यहाँ पर यीशु मसीह एक बहुत पहले, अगर जो लोग 90s के हैं, 90s के बच्चे वो लोग जानते हैं, बहुत पहले एक सीरियल आया करता था दया सागर बोल के, यीशु दया सागर। वो चला नहीं ज़्यादा, चला नहीं मतलब उसे बंद करवा दिया गया, पता नहीं शायद हिंदू या और भी धर्मों के लोगों ने ना चलने नहीं दिया। क्रिश्चियन का ये सीरियल था एक, यीशु दया सागर, तो वो उसी का एक ना तस्वीर दिखाया गया है यीशु दया सागर का। बहुत अच्छा सीरियल था, बचपन में मैं देखता था, एक दो पता नहीं कितने एपिसोड देखे मैंने उसके बाद वो आना ही बंद हो गया, बंद करा दिया, चलने नहीं दिया इंडिया में। चलने देते कितना अच्छा होता ना, लोग अच्छा सीखते ना, पाप से कैसे बचना है ये सब बातें सीखते। खैर तो ये सब ट्रैक्स है, बहुत अच्छे अच्छे ट्रैक्स हैं। मैंने ये अब चलते हैं आंटी को देने, आंटी जो है वो इधर ही रहती है पड़ोस में, ये आंटी का घर है, कल आई थी, वो यीशु मसीह को अभी जानती नहीं है। आंटी से बात करते हुए कल पता चला कि जो आंटी का भाई है ना, आंटी का भाई भी विश्वासी है लेकिन आंटी विश्वास नहीं करती। तो आज जाएंगे आंटी को बोलेंगे कि आंटी जी ये पढ़िए और धीरे धीरे आपको भी यीशु में विश्वास करना है। तो चलते हैं, ये रही मेरी साइकिल इधर रखी हुई है, अभी मानसी को लेने जाना है ट्यूशन, पास में ही है, मैं इधर से दे देता हूँ, उधर जाने की ज़रूरत नहीं, इधर से। आंटी बजू आंटी बजूला दिन बोला उन्होंने बजूला नमस्कार। यो तपाईलाई मैले किताब लादिया हूँ मैं आपको, थोड़ा खाली टाइम में पढ़िए। परमेश्वर का हमारा यीशु मसीह। आपने आपसे कल बात करते हुए पता चला आपका भाई भी विश्वास करता है। हाँ विश्वास करता है, वो तो हद से ज्यादा ही विश्वास करता है। तो सुन यो गाना किताब दियो नि मैले अब ट्यूनिंग कामर ले ये गाना को है ना आंटी सोच रही गाना का किताब, ये गाना का नहीं है, ये यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में। आप खाली टाइम जब आप पे रहेगा ना तो ऐसा पढ़िए, यीशु मसीह के बारे में जानिए, और कुछ अगर सवाल आपको होता है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, अच्छे से पढ़िएगा। हाँ आंटी जी, ओके, जय मसीह। अच्छा मेरा कल आम या संतरा खा ली? आम हाँ, थोड़ा खट्टा था आपका आम, आंटी ने कल आम दिया था हमें। खट्टा मीठा भी बनाई हूँ, खाएंगे क्या? खट्टा मीठा हाँ। दीजिए, खाएंगे क्यों नहीं खाएंगे। हाँ, अभी दे रहे हैं। ओके जी ओके। तो आंटी ने ये देखिए यहाँ पर लगा रखा है अपना भगवान का, क्या लिखा हुआ है,
उल्टा है, जय श्री राम कुछ लिखा हुआ है, ऐसा साफ नहीं दिख रहा है। लेकिन आंटी को हमने प्रचार किया। आंटी जो है, आंटी का जो भाई है ना, आंटी का भाई विश्वासी है, लेकिन आंटी विश्वास नहीं करती। कोई बात नहीं, हम हैं दीवार के आर पार, हम प्रचार करेंगे ऐसे ही, धीरे धीरे आंटी को बताएंगे यीशु के बारे में। तो कुछ खट्टा आम का उन्होंने बनाया है, उन्होंने कल यहाँ से आम दिया था हमें, तो कुछ बनाया खाएंगे, क्या बोला है आंटी ने किस तरह से बनाया ये सोचेंगे। अच्छा हाँ, ये रोटी के साथ में खाओ या भात के साथ में खाओ, थोड़ा ये आम का आम का चटनी पका करके बनाएंगी मैं, पका के। हाँ अच्छा, रोंदी करके, ठीक है। बर्तन में अभी दे देता हूँ, किसी भी दिन भी देने से भी हो जाएगा, अभी दे दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, पढ़िएगा। हाँ ओके, बाय बाय। आंटी ने आम का कुछ बनाया है, चटनी शायद पका के। चलो ठीक है। तो मेरे प्रियो आप भी अपने पड़ोसियों को ज़रूर प्रचार कीजिए। अगर ट्रैक से अपने चर्च से मांगिए, ट्रैक आपको मिल जाएगा। ट्रैक से प्रचार कीजिए या अपने मुंह से प्रचार कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन ज़रूर यीशु के बारे में अपने पड़ोसियों को बताइए। क्योंकि लास्ट में जब अंत के समय में ना, जब आप लोग सब लाइन में खड़े रहेंगे, तो आपका पड़ोसी बोलेगा कि इसने मुझे प्रचार नहीं किया, तब आप क्या मुंह दिखाओगे यीशु के सामने। इतना कहते हुए आज का वीडियो इधर रखते, मिलते अगली वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, तब तक के लिए जय मसीह की। अरे कटोरा हाथ में लेकर जय मसीह कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कोई भिखारी है। चलो।